नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। डेमोक्रेटिक चरखा बार बार आपको एक खबर दिखाता रह रहा है, वो ये है कि बिहार में कैसे नलजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको ये कई बार लगता होगा कि क्यों एक ही तरह की खबरें, एक ही तरह की स्टोरी आपको बार बार बताई जा रही है। क्यों कभी बेगूसराय, कभी सिवान, कभी शेखपुरा, कभी कटिहार की खबरें आप तक पहुँचाई जा रही है कि इस गाँव में नलजल की सुविधा नहीं है। दरअसल आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपके घर के नल में पानी आना बंद हो जाएगा और वहाँ पे आपको पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल दूसरी जगह जाना होगा और आपको हर 2-3 घंटे बाद पानी वहाँ से भर के अपने घर लाना होगा। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पे सभी का बराबर का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद शहरी क्षेत्र में रह रहे जो हाईली इलीट क्लास के लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उनके पास पानी की मात्रा इतनी अधिक होती है, इतनी प्रचुर संख्या में होती है कि वो कई घंटों तक नल को यूं ही खुला छोड़ सकते हैं और उसके बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के पास इसकी इतनी अधिक कमी है कि उन्हें पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरी जगह जाना पड़ता है। एक हालिया रिपोर्ट जो डेमोक्रेटिक चरखा ने की थी, अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितना लीटर पानी बिहार में हर दिन बर्बाद होता है। और आपको क्या लगता है ये पानी कहाँ बर्बाद होता है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में बर्बाद नहीं होता है, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे आज तक पानी ढंग से पहुँच ही नहीं पाया है। आज भी वहाँ पे पानी पीने के लिए लोग चापाकल, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों में बिहार में यूरेनियम और आयरन की मात्रा अधिक हो रही है, चापाकल के पानी से आता है, या फिर वो कुएं के पानी पर आज भी अधिक निर्भर है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नलजल योजना की जब शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि इस समस्या का समाधान होगा जब सबके घर में पानी का नल लगेगा, टैप वाटर कनेक्शन उनके घर तक पहुँचेगा। लेकिन सच्चाई हमारी रिपोर्ट्स में साफ पता चलती है कि इस योजना के दूसरे टर्म आने के बाद भी ये योजना ज़मीन पर ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आज हम बात करेंगे शेखपुरा के एक ऐसे ही गांव की। जब हमारे पत्रकार सोनू कुमार वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस गांव में पानी के लिए लाइन तो बिछ चुकी है, पाइप बिछे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये योजना आज तक इस गाँव में शुरू ही नहीं हुई है। उसकी वजह से वहाँ के ग्रामीणों को और वहाँ के महिलाओं को क्या क्या तकलीफें आती हैं, पहले खुद आप उनसे सुनिए। आपके वार्ड में नल जल का क्या स्थिति है? हमको बात क्या कोई 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 बोल वो कोई हम उसको कहता तू कहता हमको नहीं गरज, वो कहता वो नहीं गरज है, वो कहता वो नहीं गरज है। ये वार्ड को वार्डो या मुखिया कुल खत्म, ये एकदम कोई काबिल के नहीं है। नल जल कितना दिन से नहीं चला? नल जल तो यहाँ ये 2 साल से नहीं चला। 2 साल से तो? आपके घर पे नल जल का पानी आता है? नहीं आता है पानी। कितना दिन से नहीं आता है पानी? तो 2 महीना से नहीं, इधर पानी जा रहा है। 2 महीना से? 2 महीना से पहले चल रहा था? पहले चलता बहुत पानी, तो इधर ही रह जाता पानी, इधर नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं। वहाँ पर देखिए सर, वहाँ पर बना है लेटरिन वाला भी, वो भी खा गया सब, यही हल्के फल्के बना छोड़ दिया। ये नल जल का परेशानी आखिर क्यों है? परेशानी इसीलिए आया, बढ़िया से कोई कम्प्लीट काम करता है नहीं, पहले नंबर करके आधे में मतलब छोड़ देता है, खाली पैसा निकाल लेता है, छोड़ देता है। तुम युवा हो, इसी समाज से हो, हम यही समाज तो कभी कंप्लेन किए हो? कंप्लेन तो 3-4 बार कर चुके हैं सर, बार कर चुके हैं सर। किन से कंप्लेन? कंप्लेन मुखिया जी यहाँ के। तो उन्होंने क्या बताया? क्या बताएं कि बोल रहा कि बन रहा बनेगा, फिर अभी भी बोला नल देकर बोला कि मोटर खराब हो गया तो मोटर दूसरा डलवा देंगे 3 HP के। तो अभी मोटर खराब पड़ा हुआ है? खराब था सर, अभी तो बना दिए। अच्छा, तो फिर क्या परेशानी है? परेशानी फिर भी पानी पूरा नहीं पहुंचता सर, यही परेशानी है। यही परेशानी है, पानी की तकलीफ है, पियासल ऐसी टाट होल बुलो के खाना बन रहो को कहने ले लियो नी पर से पानी कनो ओकर पर एक मार को उ गाड़ी दल को उ तसला बीज दल को आ पियासल रोकियो। कितना दिन से ये तो आको 2 साल से ठीक कुछ थोड़ा चलता है, कुछ थोड़ा जब बंद हो जाता। कितना दिन से ये बंद पड़ा हुआ है? बंद तो करीब करीब 1.5-2 साल से। 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो आप कभी सूचना दिए हैं? सूचना तो मुखिया के दिए सर, तो कहीं कि ठीक है आई, तो कहीं कि नहीं दूसरा उपाय होगा। जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं उनसे कभी शिकायत किए हैं? हाँ, सब करके लिखी ना सर, समझिए आज के नहीं 3 बजे दरखास्त दलिए, दरखास्तों के नहीं अथी एक अब
तहिया से जरी जरी भुकुर भुकुर पानी दे है। तीन बेरी तो अथी सेमुन लेबुल हमनी अपने से खर्च करके पानी पीते हैं। और इसको कारोबारी कोई नहीं है, बाट नंबर न मुखिया न या अथी है। आप जो अपनी कीमती वोट देकर बाट महोदय को जिताए उनसे नहीं बोले? सब बोले। वो क्या तो या चोरी बेईमानी करके सब कोले मिले तो कुल्ले तो खा गए वे को कुछ मुखी बा खा गए तो हम अनिक दल कई को हम अनिक मांगने चाहते हमको सबसे प्रॉब्लम यही है खाने पीने के देते है वो रोक लिया है सब कुछ रोक दिया मुखिया। दो साल से ग्रामीणों के पास ये नल जल सुविधा का लाभ नहीं पहुँच रहा, इस योजना को उनके गाँव में बंद कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसको लेकर कभी भी अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। लगातार कई बार आवेदन दिए गए, कई बार दरखास्त दिए गए, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद जो सरकारी पदाधिकारी हैं जिनके अंतर्गत ये योजना आती है, शायद उनकी आँखें खुलें और वो इस ग्रामीणों के दर्दों को समझ सकें और वहाँ पर इस योजना का लाभ जल्द से जल्द शुरू कर सकें। आपको ये हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संबंधित पदाधिकारी की आंखें खुलें और वो जल्दी समस्या का समाधान कर सकें। और इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे अभी आप हमारे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।